द इंटरनेट, इंटरनेट ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये नेटवर्क में बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क जुड़े हैं। इसमें कॉमन बात ये है, या ये इंटरनेट को क्या अलग करता है बाकी नेटवर्क से, कि ये इंटरनेट में जितने भी नेटवर्क हैं वो एक तो कॉमन प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल रेगुलेशन जो किसी एजेंसी द्वारा सर्टिफाइड हो, जैसे IEEE, और कॉमन सर्विसेज ये दे रहे हैं, जैसे डेटा में क्या देंगे, डेटा सर्विसेज में वो आपको क्या देंगे। तो ये सारे नेटवर्क जो है ये किसी ने कोई प्लान नहीं किया है, यानी इंटरनेट को बनाया किसी ने नहीं है, किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया है। और आज के जमाने में, आज के समय में अगर आप देखेंगे तो कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी है जो कंट्रोल करती है। शुरुआत हुई थी इंटरनेट की आर्पानेट से। ये आर्पानेट क्या है, देखिए 1950 के जो दशक है उसके मैं एंड की बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए, ये जो आप यहां देख रहे हैं, और यूएसएसआर, इसके दरमियान एक कोल्ड वॉर चल रहा था। एक तो नॉर्मल वॉर होता है जिसमें दो पक्ष लड़ाई करते हैं, एक होता है जिसमें लड़ाई हो रही होती है लेकिन ग्राउंड पे नहीं हो रही है, होती है वो स्ट्रेटेजिक लड़ाई हो रही होती है, बैकग्राउंड में लड़ाई हो रही होती है, कई और तरीकों से लड़ाई हो रही होती है। तो जब कोल्ड वॉर अपने पीक पे था तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, हर एक कंट्री का एक डिफेंस डिपार्टमेंट होता है, तो यहां का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो ये चाहते थे कि एक ऐसा नेटवर्क बन जाए अगर बाय चांस न्यूक्लियर वॉर हो, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी ये सब वहां पर न्यूक्लियर कार्यक्रम हो चुका था, तो अब यहां पर न्यूक्लियर वॉर अगर होता है तो हम ऐसा कमांड एंड कंट्रोल अपना सेटअप कर ले कि उससे इस वॉर से, इस न्यूक्लियर वॉर से नुकसान ना हो, यानी चीजें खराब ना हो, हम फिर भी वॉर कर सके। तो यहां पर क्या हुआ कि जितने भी मिलिट्री वाले लोग थे या मिलिट्री कम्युनिकेशन था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और जितने भी मिलिट्री वाले अलग अलग विंग थे, वो सिंपल पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, जैसे हमारे यहाँ BSNL है, उस तरीके का टेलीफोन नेटवर्क ये यूज करते थे। लेकिन अब ये तो वल्नरेबल है क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में है, मैं और आप सभी इससे बात कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो चित्र आप देखेंगे ये एक उस जमाने के और आज का भी इसमें बहुत हद तक अगर जोड़ सकते हैं पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क है। पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क में आप ये जो ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं ये वाले ये टेलीफोन स्विचिंग ऑफिसेज हैं और ये सारे कनेक्टेड हैं आपके किससे, यानी हर एक ये स्विचिंग ऑफिस जो है, ये जैसे बड़ा जो हो गया आपका ये टोल ऑफिस कह दिया आपने, ये स्विचिंग ऑफिस कह दिया, ये आपके सब्सक्राइबर हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा का पूरा कनेक्शन जो था ये लोग जो यूज कर रहे थे वो एक पब्लिक डोमेन में था, हर आदमी उसे यूज कर रहा था, तो वहां पर वल्नरेबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि डिफेंस के लिए तो कुछ अलग चाहिए ना भाई, कोई अगर आपकी चीजें सुन ले या ब्रीच कर दे या पूरा का पूरा सेटअप तोड़ दे तो नुकसान हो जाएगा। ये जो स्विचिंग ऑफिसेस थे, जैसे ये स्विचिंग ऑफिस है, स्विचिंग ऑफिस को आप जोड़ दीजिए आपके टोल ऑफिस से, तो एक तरीके का ये नेशनल हायरार्की बन गया था। पूरे के पूरे यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में ये पूरा का पूरा एक सेटअप फैला हुआ था ताकि लोग फोन पे बात कर सके। अब बाय चांस ये टोल ऑफिस को तोड़ दिया जाए या इस स्विचिंग ऑफिस को तोड़ दिया जाए या इसको नुकसान पहुंचा दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि बाय चांस अगर कोई, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में कई आइलैंड्स भी आते हैं जहां पर मिलिट्री सेटअप थे, तो पेंटागन जो कि एक संस्थान कह सकते हैं, वैसे ये पेंटागन शेप में बना हुआ है लेकिन ये संस्थान है जहां से कमांड एंड कंट्रोल होता है, सारे का सारा चीजों का प्रबंधन होता है। अगर ये सब चीजें तोड़ दी जाएगी जो कि आर्मी मिलिट्री ये भी यूज कर रही है, नॉर्मल पब्लिक भी यूज कर रही है, तो अगर ये तोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा, सब सारा का सारा कम्युनिकेशन मिलिट्री का बैठ जाएगा। 1960 के दशक की बात है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई रैंड कॉर्पोरेशन को, कि ये जो पब्लिक टेलीफोन हम कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं इसको जरा परिवर्तित करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा दीजिए जब जो हम न्यूक्लियर वॉर के समय भी वो चीजें खराब ना हो, हम फिर भी कम्युनिकेशन कर सके। तो होता यह है कि यहां पर एंट्री होती है पॉल बैरन साहब की, एक एम्प्लॉय है ये रैंड कॉर्पोरेशन के, ये आए और इन्होंने एक बहुत बेहतरीन आइडिया दिया, या ये कहें कि एक डिजाइन बताया। इन्होंने कहा बहुत जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और ये जो मैं तकनीक बता रहा हूं ये जो नेटवर्क का तरीका है ये फॉल्ट टॉलरेंट है। फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चाहता था कि कहीं टूट फूट हो जाए, कहीं कोई बमबारी हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो वो पोर्शन हमारा अलग ना हो जाए बाकी लोगों से, हम फिर भी कम्युनिकेशन कर सके। तो अगर इन्होंने ऐसे कहा कि अगर कोई एक लिंक टूट भी जाती है तो दूसरे लिंक से आप बात कर सकते हैं, पॉल बैरन साहब ने ऐसा कहा।
ये जो साहब थे पॉल बैरन साहब, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई जो कि आगे चल के आज बैकबोन है इंटरनेट की। उन्होंने कहा कि दो जो स्विचिंग ऑफिसेस हैं, ये स्विचिंग ऑफिसेस ऑफिस वन हो गया, ये स्विचिंग ऑफिस टू हो गया, है ना। अब अगर बाय चांस यहां पर कुछ हो जाता है, कोई इनके बीच में डायरेक्ट लिंक टूट जाती है, तो मल्टीपल लिंक जो है उसके थ्रू हम क्या भेजेंगे, क्योंकि एनालॉग सिग्नल तो यहां थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एनालॉग सिग्नल का मतलब होता है इस तरीके का सिग्नल जो आगे चल के एटेन्यूएट हो जाता है। अगर हमको बड़े डिस्टेंस पे भेजना है तो ये जो सिग्नल होता है एनालॉग सिग्नल, ये एटेन्यूएट हो जाता है, यानी कि इसकी एनर्जी आगे चल के लूज हो जाती है। बहुत सिंपल टर्म में बता रहा हूं आपको। तो यहां पर हम ये क्या करने वाले थे, इन्होंने कहा कि हम एक डिजिटल पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी लगाएंगे। कहने का मतलब हम क्या करेंगे, यहां से हम पैकेट भेजेंगे, ये पैकेट भेजेंगे, और जो पैकेट होगा उसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जाएगा, और ये जो पार्ट्स है ये अलग अलग, ये जो पार्ट है वन वाला ये इस रास्ते से चला जाएगा, ये दूसरा वाला इस रास्ते से चला जाएगा, मान लीजिए टूट गया तो तीसरा वाला इधर से चला जाएगा, चौथा दूसरे रास्ते से चला जाएगा, और फाइनली जो रिसीवर है ये जो पार्ट है इनको जोड़ लेगा, मतलब ये जो एक दो तीन चार हुए ना अलग अलग पार्ट से का, इसको जोड़ लेगा और एक पैकेट बन जाएगा। कहने का मतलब कि यहां से पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी की इजाद हुई, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा। लेकिन पेंटागन जो बड़े साहब थे, है ना, और AT&T उनसे ज्यादा खलीफा थे। कहने का मतलब ये है कि पेंटागन को बहुत पसंद आया, लेकिन AT&T उस जमाने में आप ये समझ लीजिए कि पूरे विश्व, पूरे देश में यूनाइटेड स्टेट्स के एक मोनोपोली थी उनके पास, और उन्होंने कहा ये कॉन्सेप्ट, ये तो हम ना मुझे हमें नहीं बनाना है। उन्होंने क्या किया कि पॉल बैरन साहब का एक बेहतरीन आइडिया, AT&T जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, उन्होंने आउटराइट मना कर दिया, और ये आइडिया उसी समय धराशायी हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि उस जमाने में AT&T को समझ लीजिए जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी जो हिंदुस्तान में आई थी और पूरे विश्व में उसने कई जगह पर राज किया, उस तरीके की थी कि हम इनकी बात क्यों सुने, ये तो एक अदना सा पॉल बैरन अदना सा एक रैंड कॉर्पोरेशन का आदमी है, इसकी बात हम क्यों सुनेंगे। लेकिन यहां पर एक परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया, 1957 की बात है, सोवियत यूनियन ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे यूनाइटेड स्टेट्स को आगे आना पड़ा, उसकी एनर्जी मोटिवेशन आ गया उसमें। क्योंकि सोवियत यूनियन ने क्या किया था, सैटेलाइट यानी कहीं स्पेस में यूनाइटेड स्टेट्स को पछाड़ दिया था। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो आप यहां देख रहे हैं स्पुतनिक, ये इन्होंने भेज दिया। अब जब ये हुआ तो अब यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट और वहां के जो नेता उस जमाने में जो प्रेसिडेंट साहब थे ड्वाइट आइजनहावर साहब, इन्होंने कहा कि भाई हो क्या गया। उन्होंने कहा कि फटाफट बुलाया और आर्मी नेवी एयरफोर्स की हो क्या रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये मीटिंग की और बातचीत की तब देखा कि यार ये तो आर्मी नेवी एयरफोर्स आपस में एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं कि पेंटागन को इतना सारा बजट दे दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। उसके बाद एंट्री होती है आरपा की। ड्वाइट साहब कहते हैं कि एक सिंगल डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे, मतलब अब रिसर्च के बारे में बात की उन्होंने, इन्होंने कहा हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम है आरपा। इसको कहा गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। आरपा में कोई साइंटिस्ट नहीं था, इसके पास कोई लाइब्रेरी नहीं थी, जबकि एक रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था। इनके पास एक छोटा सा ऑफिस था और एक बजट था, और ये क्या करते थे, इनका काम ये था कि जो भी, जैसे ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी वन, ये यूनिवर्सिटी टू, या कोई अच्छी कंपनी है, अब इनका एक बेहतरीन आइडिया है, बहुत बेहतरीन आइडिया, इनका भी कोई आइडिया है, तो ये क्या करते थे आरपा वाले लोग, ये इनको फंड करते थे कि हम पैसा दे रहे हैं, हमको ये आइडिया पसंद आ रहा है, इसमें आगे काम करो। जो भी आइडिया इनको अच्छा लगता था, कोई यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहा है, कोई कंपनी से निकल के आ रहा है, उसको ये पैसा देते थे। ये साहब को देख लीजिए, इनका अब नाम बार बार आने वाला है। 1967 की बात है, ये जो साहब है लैरी रॉबर्ट साहब, ये प्रोग्राम मैनेजर थे आरपा के, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, और ये जानना चाह रहे थे कि किसी तरीके से कोशिश कर रहे थे कैसे हम रिमोट एक्सेस देंगे दो कंप्यूटर को। रिमोट एक्सेस मतलब एक कंप्यूटर यहां और एक कंप्यूटर यहां, इसको इसका एक्सेस मिल जाए, हो सकता है कि ये आपका सैन डिएगो में हो, ये लॉस एंजलिस में हो, इस तरीके की ये कोशिश कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की, एक साहब इसमें थे वेजली साहब, वेजली क्लार्क साहब, ये जो आप देख रहे हैं। इन्होंने इनसे कहा कि पैकेट स्विच सबनेट इसका इस्तेमाल करिए, और यहां पर क्या है कि कनेक्टिंग ईच होस्ट टू इट्स ओन राउटर, मतलब हर एक तरीका जो हमने स्विच इंटरनेट में देखा उस तरीके की बात इन्होंने की कि पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करो पहले तो आप, है ना, और उस तरीके का सबनेट बना के, कम्युनिकेशन नेटवर्क बना के आप होस्ट से, उस होस्ट को किसी राउटिंग डिवाइस से या किसी स्विच से या किसी ऐसे से डिवाइस से कनेक्ट करो जिससे ये काम हो पाए। वेजली क्लार्क साहब ने यह आइडिया दे दिया। अब रॉबर्ट साहब ने यह आइडिया फटाफट ले लिया,
और ये इन्होंने, क्योंकि ये वैज्ञानिक साहब थे, प्रोग्राम मैनेजर थे, इन्होंने कहा ACM एक SIGOPS एक सिंपोजियम हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स का, ये ग्लैटिनबर्ग टेनेसी में हुआ, वहां पर इन्होंने यही जो आइडिया था, जो उनको जो ये कोशिश कर रहे थे वो आइडिया इन्होंने प्रेजेंट कर दिया। अब इनको बड़ा सरप्राइज लगा, जैसे ये गए ग्लैटिनबर्ग टेनेसी में, ये देखते क्या है कि एक ये जो काम मैं दिखा रहा हूं ये तो ऑलरेडी हो चुका है। रॉबर्ट का सरप्राइज ये था कि ये जो साहब आपको दिख रहे हैं डोनाल्ड डेविस, ये ऑलरेडी NPL में जो कि इंग्लैंड में है वहां पर ये जो रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। उन्होंने कहा यार ये कैसे हो गया, और सबसे बड़ी बात कि वो कोई नेशनल कोई इन्होंने कोई डिफेंस के लिए नहीं किया था, इन्होंने केवल ये किया था कि जो NPL है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी उसके कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया था आपस में केवल NPL कैंपस में। और सबसे बड़ी बात इन्होंने पॉल बैरन साहब, आपको याद है पॉल बैरन साहब जिनका आइडिया AT&T ने बिल्कुल खारिज कर दिया था, उनके काम को इन्होंने साइट किया, इनको बताया कि भाई हमने वो काम उनकी इनका जो आइडिया था उसके हिसाब से किया है। अब रॉबर्ट साहब ने कहा, ये जैसे ही ग्लैटिनबर्ग से वापिस आए इन्होंने कहा कि अब मुझे बनाना है कुछ, और जो इन्होंने बनाया वो आगे कहा गया ARPANET। ARPANET को आप पिताजी भी समझ सकते हैं इंटरनेट का। यहां पर ये जो साहब हैं इनको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनका नाम आगे आने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये। प्लान क्या था इनका, लैरी रॉबर्ट साहब का, किस तरीके से उन्होंने ARPANET के बारे में बात की, उनका ये प्लान था कि जो सबनेट है यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क है इसमें होंगे मिनी कंप्यूटर्स। ये आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, ये है IMPs इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर्स। अब इनको कनेक्ट किया जाएगा एक ट्रांसमिशन लाइन से, ट्रांसमिशन लाइन वायर ही होगा है ना, तो IMPs जो होंगे वो ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड होंगे, वो 56 kbps की बात थी, kbps किलो बिट पर सेकंड है। अच्छी रिलायबिलिटी के लिए इन्होंने क्या किया, कहा कि हर एक IMP जितने भी ये इंटरनेट मैसेज प्रोसेसर्स हैं वो कम से कम दो से कनेक्टेड होंगे, मतलब हर एक इससे कनेक्टेड है इससे कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्ट होगा एक दो, ये किससे कनेक्ट होगा एक दो, हर एक दो से तो मिनिमम कनेक्टेड होंगे ही होंगे। हर पैकेट जो जा रहा है इस नेटवर्क में, इस सबनेट में, उसमें पैकेट में क्या होता है, जो पैकेट की बाद में बात होती है उसमें क्या होगा, जैसे एक जगह से पैकेट भेजा गया दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा, इसमें कुछ एड्रेस होना चाहिए, तो डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस तो होगा, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी होगा, और कुछ लाइंस अगर इसमें टूट भी जाती हैं, गिर भी जाती हैं, कोई उड़ा भी देता है, खत्म भी कर देता है, तो बाकी जो पैकेट्स हैं वो दूसरे पाथ को यूज करके वहां पहुंच जाएंगे, यानी कि पैकेट पूरा पहुंचेगा। एनालॉग सिग्नल में ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन डिजिटल में पॉसिबल है। तो हर एक नोड इसमें, जैसे मैंने कहा जो भी नोड होगा इसके पास एक होस्ट होगा, होस्ट मतलब एक तरीके से कंप्यूटर मान लीजिए, और एक आपका IMP होगा। तो जितने भी नोड्स होंगे इसमें, हम जिस भी नोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चित्र है, ये ARPA का नेटवर्क का लॉजिकल मैप है 1973 के बारे में मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो मतलब कहने का मतलब एक ही कमरे में एक नेटवर्क बनाया, हर एक नोड के पास एक IMP होगा और एक होस्ट होगा, होस्ट मतलब कंप्यूटर समझ लीजिए, IMP मतलब ये इंटरफेस मैसेज प्रोटोकॉल प्रोसेसर समझ लीजिए। और इसमें क्या होगा, इन्होंने जो पहली स्कीम बताई उन्होंने ये कहा कि या डिजाइन किया कि मैसेज जो होंगे 8063 बिट्स ये जाएंगे, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग भाग में ब्रेक कर सकते हैं, पैकेट का मतलब ये है कि छोटे छोटे भाग में डिवाइड करें, तो 8063 का एक फुल साइज बताया इन्होंने और एक पैकेट का, और 1008 इसमें इसको डिवाइड किया जा सकता है, और जैसे हमने ये पूरा का पूरा है आपका 8063 का, ये एक पार्ट हो गया 1008 का, ये दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, ये इंडिपेंडेंटली जाएगा, ये इंडिपेंडेंटली जाएगा, और ये सब जाके जो डेस्टिनेशन होगा वहां जाके मिल जाएंगे। ये कहानी थी सारी, हर एक पैकेट जो है वो जब तक मतलब यहां से यहां तक जब पूरा ना आ जाए, मतलब छोटे छोटे भाग में आएगा फिर जुड़ जाएगा, उसके बाद ही ये आगे जाएगा। तो ये पहला स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग नेटवर्क बना दिया इन्होंने, फर्स्ट, आज भी स्टोर एंड फॉरवर्ड ही है लेकिन ये पहला इन्होंने बना दिया। तो ARPA ने अब ये काम होना था, तो ARPA ने क्या किया, इसके लिए टेंडर निकाल दिया कि भाई अब ये ना जो सबनेट हमने डिजाइन किया है ये लोगों को बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने टेंडर निकाल दिया। December 1968 के बारे में कह रहा हूं, BBN एक कंपनी, एक कंसल्टिंग फर्म है, ये मैसेच्यूसेट्स कैम्ब्रिज में थी, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ठीक है जी। अब होता ये है कि इन्होंने ये चूज किया, ये क्या चीज है, इन्होंने थोड़ा सा एक मॉडिफाइड था ये इस पर्टिकुलर डिजाइन के हिसाब से, ये है हनीवेल 316 मिनी कंप्यूटर थे, इसमें 12K 16-bit वर्ड्स मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी, और उसकी वही चीज IMPs के हिसाब से यूज होती थी,
कहने का मतलब इस पे आप ध्यान मत दीजिए, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें, बस समझ लीजिए कि उस जमाने में बहुत कम थी, आज के जमाने में तो हम इसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और इसमें कोई मेमोरी नहीं थी, कोई हार्ड जैसे हमारे यहाँ आजकल SSD मेमोरी और ये सब होती है, वो नहीं था इसमें। जैसे मैंने कहा कि 56 kbps लीज लाइन से ये टेलीफोन कंपनी से कनेक्ट रहेगा MPs जो है। अब इन्होंने जो BBN ने क्या किया, सॉफ्टवेयर बनाया, इन्होंने कहा कि सबनेट के लिए अलग पार्ट होगा, होस्ट के लिए अलग होगा, सबनेट मतलब पूरा नेटवर्क, होस्ट मतलब जो कंप्यूटर है, तो जो सबनेट है उसमें IMP एंड टू एंड होस्ट IMP कनेक्शन, इस पे मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, IMP प्रोटोकॉल, IMP से लेकर डेस्टिनेशन से लेकर IMP प्रोटोकॉल रिलायबिलिटी के लिए, तो ये सारी चीजें जो है वो सबनेट के सॉफ्टवेयर में होगी, है ना। ओरिजिनल तो मैं आपको ये दिखा ही रहा हूं, लेकिन इसके अलावा सबनेट के अलावा होस्ट और होस्ट कनेक्शन के लिए, होस्ट या होस्ट का IMP से कनेक्शन के लिए, या होस्ट और होस्ट के लिए, ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। कहने का मतलब ये एक होस्ट है, ये आपका पूरा सबनेट है, इसके लिए तो सॉफ्टवेयर भी चाहिए, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए। अब यार इन्होंने कहा, लैरी रॉबर्टसन साहब ने कहा, ना ये जो इतने सारे हर जगह सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर से कैसे हैंडल करेंगे। उन्होंने कहा ना, होस्ट भी चाहिए, होस्ट को भी सॉफ्टवेयर चाहिए, ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। उसको डील करने के लिए इन्होंने क्या किया, लैरी रॉबर्ट साहब ने, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, या ये कहें कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और ये था, इन्होंने कहा कि जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अंडर ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, मोस्टली उसमें अंडर ग्रेजुएट थे, स्नोबर उटा में 1969 में इन्होंने बुलाया। अब ग्रेजुएट जो थे, मतलब बेहतरीन दिमाग वाले लोग थे, जैसे हमारा IITs वगैरह है, IISc वगैरह है, उसी तरीके के ये लोग थे, ये आए, इन्होंने कहा कि हमें नेटवर्क वाले आदमी से मिलाओ और डिजाइन दिखाओ। इन्होंने देखा कि ना तो कोई नेटवर्क एक्सपर्ट है और ना ही कोई डिजाइन बता पा रहा है, ना इनके पास कोई डिजाइन है। अब ग्रेजुएट्स जो लड़के थे, उन्होंने कहा, अरे यार लड़के लड़कियां, उन्होंने कहा कि यार हमें तो ये खुद ही करना पड़ेगा, ये क्या हो गया। उन्होंने फिर खुद किया, खुद अपने आप एक्सपेरिमेंटल काम किया, और उसके बाद ये चार नोड्स, एक UCLA, UCSB, SRI और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये सारे के सारे जो है यूनिवर्सिटीज के नाम है, ये चार नोड्स से कनेक्ट किया इन्होंने। अब मैंने कहा था ये साहब का नाम आएगा, इन साहब का नाम है लेन क्लेन रॉक, ये पैकेट स्विचिंग के जनक कह सकते हैं आप। तो पहला होस्ट टू होस्ट मैसेज, होस्ट टू होस्ट क्या होता है, यानी एक जो एंड कंप्यूटर होगा जिस पे आप काम कर रहे होंगे, दूसरा एंड कंप्यूटर होगा, ये यहां से यहां तक भेजा इन्होंने, UCLA नोड से लेकर SRI नोड, यानी ये UCLA एक यूनिवर्सिटी है और ये SRI यूनिवर्सिटी है, वहां से होस्ट इन्होंने भेजा, ठीक है। अब ये जो तरीका इन्होंने अपनाया, ये जैसे जैसे IMPs, क्योंकि IMP तो ये एक हार्डवेयर है, जैसे जैसे ये बन के आने लगा, फटाफट फटाफट चीजें और बढ़ने लगी, ये नेटवर्क एकदम से बढ़ने लग गया, और उसके बाद देखा गया कि जो ARPANET है 3 साल में इतना बढ़ गया। मैं आपको इसका चित्र दिखाता हूं, हर ईयर के हिसाब से देखिएगा, ये है दिसंबर 1969 के बारे में, कितने लोग हैं, बस UCLA, SRI, यूटा और UCSB, उसके बाद थोड़ा और बढ़ गया, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखिए बी में ये हुआ 1970, ये बढ़ गया, फिर आप 1971 पे आ जाइए, और यूनिवर्सिटीज जुड़ गई, यूनिवर्सिटीज के अलावा मैंने रैंड आपको कंप्यूटर सिस्टम्स बताए थे, BBN कंसल्टिंग फर्म बताई थी, वो भी जुड़ गए। इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा 1972 में और भी जुड़ गए, फिर ये और जुड़ गए 1972 में, इसमें आप नए नए नाम देख रहे हैं, ये सब जुड़ गए। एक तरीके से ये नेटवर्क इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की अलग अलग यूनिवर्सिटी और जो जमाने के बेहतरीन ऑफिस थे वो सब जुड़ने लगे इसमें। लेकिन ARPA इन्होंने पैसा भी दिया कि भाई सैटेलाइट नेटवर्क्स को और साथ में मोबाइल पैकेट रेडियो नेटवर्क्स, इनको फंड भी करने की कोशिश की। एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, एक बड़ा सा ये ट्रक है, ये कैलिफोर्निया के आसपास घूम रहा था, कैलिफोर्निया के अंदर बाहर इस तरीके से घूम रहा था, और इन्होंने, क्योंकि यहां पर मैंने कहा ना ARPA ने बहुत सारी फंडिंग भी की, तो यहां पर पैकेट रेडियो नेटवर्क इन्होंने यूज किया, और SRI जो कि यूनिवर्सिटी है वहां से इन्होंने भेजा ARPANET के थ्रू ईस्ट कोस्ट भी एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स की, और यहां से, ये सब तो यूनाइटेड स्टेट्स में है, यहां से इन्होंने भेज दिया इसको सैटेलाइट नेटवर्क का यूज करते हुए, कहां, लंडन कहां हो गया, इंग्लैंड, मतलब कैलिफोर्निया से पहले ईस्ट कोस्ट से लेकर वो पहुंच गया कहां, लंडन। इस तरीके का एक फेमस डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया। लेकिन यहां पर एक और चीज दिखाई दी कि जब एक्सपेरिमेंट होते हैं तो आपको अच्छी चीजें भी दिखती हैं और थोड़ी सी कमियां भी दिखती हैं। ये देखा गया कि जो अभी के ARPANET के प्रोटोकॉल से, प्रोटोकॉल का मतलब रूल रेगुलेशन, क्या साइज होगा, क्या बिट साइज होगा, क्या आपका हेडर होगा, ये सब चीजें उसमें डिसाइड होती है। ARPANET का जो प्रोटोकॉल है, ये बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स है वहां पर काम नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इसका कंक्लूजन इसमें हुआ
कि टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल की उत्पत्ति हो गई यहां से। ठीक है जी, यहां से शुरुआत हुई टीसीपी आईसीपी आईपी प्रोटोकॉल की। अब टीसीपी आईपी को और आगे बढ़ाने के लिए आरपा ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए क्योंकि टीसीपी आईपी इंप्लीमेंट करना था अलग अलग कंप्यूटर प्लेटफॉर्म में या फिर अलग अलग जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। तो इसमें आईबीएम को, डीईसी को, एचपी को, बर्कली यूनिक्स को, इन सबको दे दिया इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट। आईबीएम एचपी तो आज भी सुनते हैं, इसके कंप्यूटर हैं आपके पास, इसके लैपटॉप हैं आपके पास। अब यहां पर हम आते हैं स्पेशली बर्कली यूनिक्स पे। यहां पर क्या हुआ कि जो रिसर्चर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली एक जगह है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एक यूनिवर्सिटी है, यहां पर ये लोग टीसीपी आईपी को दोबारा लिख रहे थे या दोबारा एक नया प्रोग्रामिंग इंटरफेस बना रहे थे। इन्होंने कहा कि टीसीपी आईपी को हैंडल करने का तरीका या इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका सॉकेट से हो सकता है। ये सॉकेट का एग्जांपल मैंने दिया है, सॉकेट से हो सकता है। और वो 4.2 बीएसडी एक वर्जन था, उसको रिलीज करने की तैयारी में थे बर्कली यूनिक्स। इन्होंने इसके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लिखे, जैसे चैट प्रोग्राम लिख दिया, यूटिलिटी प्रोग्राम लिख दिया, जो आज हम चैट करते हैं ना वहीं से निकल के आया है। तो इन्होंने कहा कि ये सारा काम सॉकेट से करेंगे। सॉकेट मतलब एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम ये है, इसमें सॉकेट्स होंगे। सॉकेट खोलेंगे, टीसीपी कनेक्शन देंगे, क्योंकि सॉकेट खोलना पड़ता है और वो एक मतलब रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन है ये टीसीपी। 4.2 बीएसडी जैसे ही आया, बिल्कुल एक समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जितना पैकेज इन्होंने बनाया था, टीसीपी आईपी सॉकेट प्रोग्राम्स चैट वैट, वो सब लोगों ने एकदम घेर लिया। उन्होंने कहा वाह क्या चीज बनाई है, बेहतरीन। तो टीसीपी आईपी के साथ बहुत आसान हो गया कि आर्पानेट लैंस के साथ कनेक्ट हो सके, और उसके साथ जैसी जैसी लोकल एरिया नेटवर्क या और नेटवर्क आर्पानेट के साथ जुड़ने लगे, मिड 1970s में इसकी बाढ़ आने लगी एनएसएफ नेट। ऐसा हुआ कि जैसे ही आर्पानेट बहुत पॉपुलर हो गया, तो 1970 के जो आखिरी साल है इस दशक के, यहां पर एनएसएफ यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन, अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने देखा कि आर्पानेट में तो बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल है, ये तो बहुत बढ़िया नेटवर्क है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। लेकिन एक इसमें इनको समस्या ये देखी कि अगर आर्पानेट से अगर आपको कनेक्ट होना है तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट जिन जिन यूनिवर्सिटीज का है, मतलब तो ये यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ है या कोई ऑफिस है, कोई कंपनी है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तभी आप आर्पानेट से कनेक्ट हो सकते हैं। ये चीज एनएसएफ ने देखी। इन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम आर्पानेट का एक सक्सेसर बनाते हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि जो हम आगे आर्पानेट को बढ़ा रहे हैं उसी तरीके की चीज बना रहे हैं, उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का रिसर्च ग्रुप हो, वो सारे के सारे इसमें कनेक्ट हो सके। तो शुरुआती दौर में इन्होंने एक बैकबोन बनाया। बैकबोन जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एनएसएफ ने नेशनल साइंस फाउंडेशन 6 सुपर कंप्यूटर मतलब होते हैं ऐसे कंप्यूटर जिनमें कंप्यूटिंग पावर और बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं जबरदस्त होते हैं। तो 6 सुपर कंप्यूटर इन्होंने लगाए, और वो अलग अलग जगह है, सैन डिएगो, बोल्डर, शैम्पेन, पिट्सबर्ग, इटाका और प्रिंसटन। तो यहां पर आप देख भी रहे हैं कि इस तरीके की 6 इन्होंने यहां पर लगा दी। चलिए साहब ये बात हो गई, हर एक सुपर कंप्यूटर के साथ, क्योंकि 6 सुपर कंप्यूटर थे, हर एक के साथ एक कंप्यूटर लगाया इन्होंने, जिसको इन्होंने नाम दिया फर्स्ट बॉल। क्या नाम दिया, द फर्स्ट बॉल, जो कि इस तरीके से दिखता था। तो हर एक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को एक छोटा ब्रदर दे दिया एक तरीके से, वो था LSI-11 माइक्रो कंप्यूटर था, उसको फर्स्ट बॉल का नाम दिया गया। अब ये जो फर्स्ट बॉल थे ये 56 ये जो थे ये 56 KBPS लाइन से, ये आपको डेटा रेट बता रहा हूं मैं आपको, इस लाइन से कनेक्टेड थे, और उन्होंने एक नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क या सबनेट बनाया। लेकिन जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी थी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, वो आर्पानेट वाली ही थी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लेकिन थोड़ी सी परिवर्तित हो गई। ये जो फर्स्ट बॉल है ये शुरुआत से ही टीसीपी आईपी पे बात करता था, उस प्रोटोकॉल पे ही काम करता था ये। इसका मतलब जो एनएसएफ नेट है वो एक पहला टीसीपी आईपी वैन बन गया, पूरे देश के लिए है, इसीलिए हम इसको वैन कह रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। एनएसएफ ने क्या किया, बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे लोगों को फंड किया, और इन्होंने ये कहा कि जितने भी रीजनल नेटवर्क हैं, जितने भी नेटवर्क विद्यमान हैं, वो इस कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को एक्सेस कर सके और आपस में भी ये रीजनल नेटवर्क कम्युनिकेट कर सके। और जब ये नेटवर्क बना दिया गया, ये रीजनल नेटवर्क भी जुड़ गए, इसी को नाम दिया गया एनएसएफ नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये कैसा, ये आर्पानेट से भी कनेक्टेड था। आर्पानेट से कैसे कनेक्टेड था,
कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी, जिसको हम CMU भी कहते हैं, यहां पर एक IMP और एक फसबॉल, यानी कि जो कंप्यूटर है फसबॉल, उसके थ्रू ये कनेक्टेड था आपके आर्पानेट से। यहां पर आप देख रहे हैं NSF नेट का बैकबोन, 1988 की बात मैं कर रहा हूं। ये इस तरीके से चित्रण था, अब बैकबोन बन गया। लेकिन NSF नेट तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, बहुत ज्यादा उसके पास ये भी नहीं है, रिसोर्स भी नहीं है, मैन पावर भी नहीं है। तो ये इतना ज्यादा सक्सेस हो गया कि NSF नेट ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई अब इसको आगे बढ़ाना है या इसका रख रखाव करना है, वो उन्होंने मेरिट कंसोर्शियम को दे दिया। NSF नेट ने एक और काम किया, इन्होंने जो बड़े बड़े उस समय जायंट कंपनियां थी, IBM, MCI, मेरिट, इन सबको कहा कि भैया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन बनाइए, और नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन का नाम रखा गया ANS, एडवांस नेटवर्क्स एंड सर्विसेज। ये पहला स्टेप था कि किस तरीके से ARPANET फिर NSF नेट, यानी कि जो इंटरनेट है, उसको कमर्शियलाइज किया गया, कंपनी के हाथ में आ गया। 1990 की बात मैं कर रहा हूं, ANS ने फाइनली इस NSF नेट को ले लिया और 1.5 Mbps की जो लिंक्स थी उनको बढ़ा के 45 Mbps कर दिया, और इसी को कहा गया ANS नेट। पहले ARPANET, NSF नेट, अब ANS नेट। 5 साल बाद इसी ANS नेट को अमेरिका ऑनलाइन ने खरीद लिया या इसको बेच दिया गया। लेकिन जब 5 साल हुए, क्योंकि इतना पॉपुलर हो चुका था इस तरीके का नेटवर्क, बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो कमर्शियली IP सर्विस दे रही थी, वो खुद ही सर्विस दे रही थी। तो अब हो क्या रहा था कि गवर्नमेंट के हाथ से प्राइवेट भी हाथ में आ गया, लेकिन ट्रांजिशन भी तो करना था। कहने का मतलब यह है कि हर एक रीजनल नेटवर्क दूसरे रीजनल नेटवर्क जितने भी जहां जहां थे, कोई यूनिवर्सिटी का होगा, कोई इंस्टीट्यूशन का होगा, वो आपस में बात कर सके। तो NSF ने यह डिसाइड किया, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, कि हम 4 नेटवर्क ऑपरेटर, या ये कहें उनको एक कहा या कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि आप 4 जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स में नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स लगाइए, या उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब आप ये देखिएगा, यहां पर नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स ये हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये NAPs बना दिए गए। ये जो NAPs थे अलग अलग कंपनीज के पास थे, इनके ऑपरेटर थे पैकबेल, एमेरिटेक, MFS और स्प्रिंट, ये अलग अलग जगह पे थे जो यहां पर आप देख रहे हैं। हर एक नेटवर्क ऑपरेटर जो ये बैकबोन जो सर्विस NSF नेट की है, वो अलग अलग रीजनल नेटवर्क को देना चाह रहा था, उसको पहले तो सारे NAPs से कनेक्ट करना होगा, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, मतलब चारों ये कनेक्टेड रहेंगे, और फिर ये अपना रीजनल सर्विस दे पाएगा। ठीक है जी, अब रीजनल सर्विस दे रहा है, इसका मतलब इसको हर आदमी ये चाह रहा था कि बहुत सारे लोग जुड़ जाए, बहुत सारे लोग जुड़ जाए। तो बेसिकली अब ये फाइट हो गई कि ये 4 कंपनियां मैक्सिमम लोग जुटाने की कोशिश करने लगे। तो यहीं से सर्विस और प्राइस का कहें कि उद्गम हुआ, और यहीं से कमर्शियलाइजेशन की शुरुआत हो गई। इस तरीके से इंटरनेट का हम आज जो सिचुएशन देखते हैं वो है। 1990s में बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट तो थे ही थे, रिसर्च प्रोजेक्ट से नेटवर्क बने जो ARPANET पे बेस्ड थे या NSF नेट पे बेस्ड थे। लेकिन ये केवल अमेरिका की बात नहीं है, बहुत सारी अलग कंट्रीज में भी ये होने लगा, और ये हुआ। जैसे यूरोपानेट है, जो आप यहां पर एक चित्रण देख रहे हैं, ऐसी इबोन है, ये सब बने जो 2 Mbps से थे, फिर उसके बाद वो 34 Mbps तक आ गए। जिस तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी जब शुरू करती है तो उसको प्राइवेटाइज करना जरूरी हो जाता है किसी लेवल पे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी इतना सारा नहीं हैंडल कर पाएगी। तो ये जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यूरोपानेट और इबोन, ये यूरोप में ये भी इंडस्ट्रीज को दे दिए गए, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिए गए। यहां पर एंट्री होती है, क्योंकि इंटरनेट के बारे में बात कर रहा हूं, यहां एंट्री होती है टिम बर्नर-ली साहब, इन्होंने WWW का इजाद कर दिया। जैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब ये लेके आए, उसके बाद इंटरनेट तो एक्सप्लोड हो गया, यानी कि फट गया। इतने सारे लोग WWW या इंटरनेट यूज करने लगे कि पूछे मत। यानी कि अब कोई ईमेल कर रहा है, कोई न्यूज ग्रुप बना रहा है, कोई रिमोट लॉगिन कर रहा है, कोई फाइल ट्रांसफर कर रहा है, सारी चीजें इसमें होने लगी। आज के जमाने में अगर आप देखेंगे, उस जमाने में तो ये काम होता था, आजकल के जमाने में आप देखिएगा स्क्विड गेम्स, मनी हाइस्ट और क्या क्या पिक्चरें, मूवीज आप अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब इस पे देखते हैं, ये मेन है। और जो डोमिनेंट ट्रैफिक जो आ रहा है वो इन्हीं नेटफ्लिक्स और यूट्यूब इस तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रहा है।